हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक परफेक्ट गार्ड डॉग किसे कहते हैं। आपने टाइगर की प्रोटेक्शन टेस्ट की वीडियो जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने दिखाया कि टाइगर इतने ज्यादा एग्रेसिव होने के बाद भी अगर हम उसको मना करते हैं तो अगर मैं उसे खोल भी देता हूं, बाहर से कोई बंदा आता है और मैं उसे खोल भी देता हूं, तब भी वो किसी पर अटैक नहीं करता अगर मैं उसे मना कर देता हूं। अदरवाइज वो गार्ड डॉग अगर कोई बाहर से बंदा आएगा और वो उसके सामने पूंछ हिलाएगा, नाचे गाएगा, तो फिर वो कैसा गार्ड डॉग हुआ? ठीक है, तो गाइज वो सबकी अपनी अपनी पसंद है। किसी को फ्रेंडली डॉग पसंद है, किसी को एग्रेसिव डॉग पसंद है। तो मेरे को एग्रेसिव डॉग्स पसंद है। एग्रेसिव डॉग्स मींस कि मेरे को गार्ड डॉग पसंद है। मैं ऐसा नहीं कहता कि फ्रेंडली डॉग जो होते हैं वो बेकार होते हैं, नहीं, हर एक डॉग ब्रीड में अपनी अपनी एक अलग क्वालिटी होती है। पर हर कोई तो फ्रेंडली डॉग नहीं पालेगा ना, सिक्योरिटी पर्पज से रखेगा तो भाई पग और लैब्रा तो नहीं रखेगा, तो सिक्योरिटी पर्पज से भी लोग डॉग्स को पालते हैं। तो उसके लिए कैसे आपको ट्रेन करना और एक बेस्ट गार्ड डॉग किसे कहते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा अभी। कहाँ से लाया ये? हैं? किस तू पहने का इस जूते को? तू पहने का? तू पहने का इस जूते को? सिम्बा वो देखो सब उठाना चालू कर दिया। इसकी चप्पल ले, इसकी चप्पल ले कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइज आपने ऐसे बहुत सारे डॉग्स देखे होंगे जो सामने वाले डॉग्स को देख के एग्रेशन करते हैं, तो उन डॉग्स को भी हम गार्ड डॉग या फिर प्रोटेक्टिव डॉग की कैटेगरी में नहीं लेंगे, क्योंकि हमें कोई डॉग से तो खतरा है नहीं। प्रोटेक्टिव डॉग तो वो होगा जो सामने कोई भी हो, कोई इंसान, कोई एनिमल, कोई डॉग, जो भी आप पर अटैक करे उससे आपको प्रोटेक्ट करे, उसे हम गार्ड डॉग कहेंगे। और गाइस गार्ड डॉग कैसे बनाया जाता है उसके लिए आपको या तो बचपन से ट्रेन करना होगा या फिर बड़े होने पे भी आप ट्रेन कर सकते हो अपने डॉग को गार्ड डॉग के लिए, बट आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी उसमें। और अगर आपका डॉग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है तो उसको आप फिर गार्ड डॉग शायद ही बना पाओगे। हाँ, वो वॉच डॉग बन जाएगा, यानी कि कोई बाहर से बंदा आएगा तो वो भौंक दिया करेगा उसको, और इतना भी काफ़ी होता है। बट अगर आपको पूरा प्रॉपर प्रोटेक्टिव डॉग चाहिए या फिर आप बनाना चाहते हो तो आपको उसे बचपन से ट्रेन करना होगा। और ऐसा ही नहीं कि खाली आप एग्रेसिव बना दो, इतना एग्रेसिव बना दो अपने डॉग को कि वो आप ही के कंट्रोल में ना रहे, ठीक है, और किसी पे भी अटैक करे और आप उसको रोक ना पाओ। एग्रेसिव डॉग जब ही बनाओ जब अगर आप उसको कंट्रोल कर पाओ। इसका मुंह कितना बड़ा है, पैरों के पास ही घूम रहा है।
सिम्बा। तो गाइज यहाँ पे आप देख के कह सकते हो यार कि कोई ये डॉग ब्रीड यार एग्रेसिव है या फिर डेंजरस है किसी के लिए। जैसे लोग कहते हैं पिटबुल डॉग अर्जेंटिनो ये है वो है ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ऊपर भी है थोड़ा पालने के ऊपर, कैसे आपने उसको ट्रेन किया है, कैसे आपने उसको बनाया है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्रेंडली भी है। कुछ लोग कहते हैं इतना खतरनाक होता है डॉग अर्जेंटिनो, मार देगा खा जाएगा, पिटबुल इतना खतरनाक होता है मार देते हैं खा जाता है। जैसे कि लखनऊ वाला केस हो गया तो उसके बाद हर एक पिटबुल को उसी निगाह से देख रहा है। भाई अगर एक पिटबुल ऐसा हुआ तो क्या सभी एक जैसे हो गए? इंसान भी इंसान को मार रहा है तो क्या हम ये कहते हैं कि भाई इंसानों से हमें खतरा है, इंसान से दूर रहना, इंसानों के पास मत जाना? तो गाइज ये अपनी अपनी थिंकिंग है। एक अगर पिटबुल ने मारा और उसके बारे में भी किसी को खुल के नहीं पता कि वो क्या हुआ था कैसे हुआ, बट मेरे को इतना ज़रूर पता है कि वो डॉग हमेशा घर में रहा है, उसे बाहर नहीं घुमाया जाता था। बेशक वो घर कितना ही बड़ा हो कितना ही हो पर है चार दीवारी और उसके अंदर ही वो हमेशा डॉग रहा। डॉग्स को बाहर घुमाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे डॉग्स भी बहुत खुश रहते हैं और आपके साथ भी उनकी अच्छी बॉन्डिंग बनती है। इसके अंदर जो जूता है देख रही है, जिसे पता है इसके अंदर शूज है। उनके हाथ है बार बार ये ड्रामा। सेमो सिम्मू तेरी आंखें इतनी प्यारी कैसे हैं? अपना हाथ दिखाई बराबर में इसके मुंह के, तेरा हाथ है इसके मुंह का सही। कभी कभार ही आता है मुंह चपने नींद आ रही है, इसे आंखें भारी हो रही है इसकी। तो गाइस सिम्बा कितना फ्रेंडली और कितना प्यारा ये तो आपने देख ही लिया होगा। और अब आप ये देखिए कि सिम्बा कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। बाहर से जब कोई अननोन पर्सन आता है तो कोई भी डॉग हो सभी बार करते हैं, और वो कहावत भी आपने सुनी होगी घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। बट अगर मैं सिम्बा को बाहर लेके जा रहा हूँ और मेरे पे कोई अटैक करता है तो सिम्बा क्या रिएक्शन रहेगा वो आप देखिए। Oh,
तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सिम्बा नॉर्मल खड़ा रहता है मेरे बराबर में, बट जैसे ही वो बंदा अटैक करता है, डंडी मारता है, तो सिम्बा उस पर तुरंत अटैक करता है। क्योंकि सिम्बा अगर मैं बाहर घुमा रहा हूँ तो किसी पर अटैक नहीं करता, बट अगर कोई मुझे मारने की कोशिश करेगा तो सिम्बा अटैक करेगा, क्योंकि ये एक परफेक्ट गार्ड डॉग है इसलिए। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो सिम्बा कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, और ऐसा ही नहीं है कि खाली इसी बंदे के लिए, पीछे देखो कैमरामैन भी मेरे पीछे पास में आ रहा था ज़्यादा, और जब ज़्यादा ही पास में आने लगता है मेरे तो सिम्बा मुड़ के वापस उसकी तरफ आता है कि तू भी दूर रह, समझा। गाइज आप भी अगर अपने डॉग को एक अच्छा गार्ड डॉग बनाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।